अब देखो इसमें ना हमें एक छोटा सा निशान मिला है, देखो एक और चीज मिली, देखो यहाँ पे। तो गाइस आपको एक मेन चीज चेक करनी है, गाड़ी के गियर कहाँ पे गैप था, तुमने वो गाड़ी मना कर दी इसलिए क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम गाड़ी है। नहीं, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं हम अपने दोस्त की गाड़ी की पीडीआई करने, और पीडीआई में सिर्फ पांच चीजें होती है जो आपको इंपॉर्टेंटली देखनी है। वो पांचों चीजें देखेंगे। पहला होगा एक्सटीरियर, फिर इसका इंटीरियर, इसका जो इंफोटेनमेंट, छोटा मोटा चीजें, सारे शीशे वर्क कर रहे नहीं कर रहे, और एक एक चीज आपको दिखाएंगे जो पीडीआई में मोस्टली हम देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले चेक करते हैं इसकी एक्सटीरियर चीजें। एक्सटीरियर में देखो हमने थोड़ा सा चीजें देखी है, तो हमने एक चीज नहीं देखी है। अब देखो इसमें ना हमें एक छोटा सा ये निशान मिला है, देखो ये चला तो रबिंग से जाएगा, लेकिन ये चीज देखो, अगर ये समझ लो गाड़ी निकल जाती है यहाँ से और आपको पता नहीं रहता, तो ये शोरूम वाले क्या कहते हैं, जी आपने करा है। देखो ये रबिंग होती नहीं, और रबिंग के पैसे आपको देने पड़ते। देखो देखो हमें एक और चीज मिली, देखो यहाँ पे ये सेम चीज हमें पीछे मिली है, यहाँ पे आओ एक पीछे देखो हमें एक यहाँ मिली है। ऐसी हमें टोटल पांच चीजें मिली है, हमने टोटल पांच चीजें ऐसी ढूंढी है जिनको रबिंग की बहुत ज्यादा नीड है। गाइस देखो सबसे पहले मैंने डिस्क ब्रेक देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्क ब्रेक पूरे रस्टी रहते हैं। अब देखो मैंने इसकी डिस्क ब्रेक देखोगे, इसकी कोई रस्टनेस नहीं है, इसमें पूरे फ्रेश है। मैंने इधर का भी देखा और मैंने उस तरफ का भी देखा, मैंने दोनों अच्छे से देखे और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बाहर से इस चीज के लिए जो थम्स अप है, लेकिन हाँ मैंने आपको पांच चीजें बता दी, एक ये, एक उस तरफ, एक देखो यहाँ पे भी छोटा सा है, लेकिन हाँ देखो गाड़ी बाहर निकलती है छोटा मोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप शोरूम से बाहर निकल गए तब लगा तो आपकी गारंटी है। अभी तो चलो शोरूम वाले के ऊपर है ना, तो अगला चेक करते हैं इसका इंटीरियर। सो गाइस इंटीरियर में बैठते ही आपको इंटीरियर में क्या चेक करना है, किसी गाड़ी के इंटीरियर में सबसे मेन क्या चेक होता है, सबसे पहले उसकी सारी लाइट्स चल रही हो, उसके जब चाबी हम डाल रहे हैं दोनों चाबियां चेक हो अच्छे से, कि ऐसा ना हो कि एक चाबी से स्टार्ट हो रही है दूसरी से नहीं। सो गाइस सबसे पहले करते हैं गाड़ी को चालू। ओहो नई गाड़ी का ना फील ही अलग होता है गाइस, मैं आपको वैसे बता दूं, हम नॉर्मल वैसे गाड़ी ड्राइव करते हो, जैसे आप बिल्कुल ठंडी गाड़ी चालू कर रहे हो, जो आरपीएम देख रहे हो अभी आरपीएम ना 100 से 1000 से ऊपर है, इसे एक बार कूल डाउन होने दिया करो, जो बेसिकली हम कोल्ड स्टार्ट कहते हैं, उससे क्या होगा इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है एसी, एसी परफेक्ट काम कर रहा है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये सारे नॉब घुमा के देखने हैं, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने बहुत गाड़ियों में देखा है ये चीज वर्क ही नहीं कर रही होती, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसका लगे हाथ चेक। सो गाइस अब चेक करते हैं बाकी चीजें, पाव वाला सही चल रहा है, आहा मस्त चल रहा है यार, दूसरा बाकी अपना मस्त, बाकी देखो एसी परफेक्ट काम कर रहा है, सब कुछ सही है, चीजें चेक कर लेते हैं। अब देखो अंदर से आपको सारी लाइटें चेक करनी है, ठीक है, लाइटें अब क्या होगी, मैं आपको लाइटें बाहर से दिखाता हूँ कि काम कर रही है नहीं कर रही। गाइस आपको सबसे पहले चेक करनी है इनकी सारी लाइट्स, ये देखो ये है, हमने अगर स्टार्ट करी इसकी लो बीम, अब करेंगे इसकी हाई बीम चेक। हाई बीम चेक करने के बाद देखो दोनों काम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, फिर करते हैं इसके हजार लैंप्स ऑन, अब चारों इंडिकेटर चेक करते हैं। पहले हमने करे आगे दो चेक, देखो दोनों परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इवन उसके ओ आर वी एम्स पे भी, अब करेंगे इसे पीछे से चेक, देखो पीछे से भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा थम्स अप है पूरे इस चीज़ के लिए, हमें इसे फिर से चेक करने की नीड नहीं है। अब करते हैं इसका इंजन बे चेक। सो गाइस अब करते हैं इंजन को चेक। तो देखो इंजन में आपको बेसिकली क्या चेक करना है, कूलेंट हो, सारी आपकी कनेक्शन बेसिकली मेरा मतलब है, आपने जैसे अंदर एसी चला हुआ है गाड़ी के, तो गाड़ी का ये जो फैन है ये चालू होना चाहिए, ये बेसिकली जब खड़ी गाड़ी होती है तो फैन में ऑन होता है, ये चीज सही होनी चाहिए। हजार लैंप हमने ऑन ही रखे हैं कि हम एक बार बाहर से फिर चेक कर लें होंगे। और एक चीज और करनी है, काफी गाड़ियों में जो सेकेंड हैंड गाड़ी में भी चेक की जाती है, ये वाली जो ये नोजल है इसे एक बार बाहर निकालो, ये चेक करो इसमें छींटे तो नहीं मार रही है, जैसे आप देखो बिल्कुल छींटे नहीं मार रही है अभी, तो ये भी सही होता है कि इंजन परफेक्ट है इस गाड़ी का, आपको उसमें कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी, आप ये ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल सब चीजें चेक करो, और गियर ऑयल तो आप कर नहीं सकते, लेकिन गियर इतने स्मूथली चल रहे हैं मैं आपको क्या ही बताऊं। तो गाइस आपको एक मेन चीज चेक करनी है, गाड़ी के गियर्स। गाइस गाड़ी के सारे गियर डाल के देखने हैं कि सारे स्मूथली लग रहे नहीं लग रहे, ये देखो अब देखो हल्का सा मुझे लग रहा है इसका तीसरा अटक रहा है, लेकिन फिर से कई बार क्या होता है नई गाड़ी में खड़े खड़े में हो जाता है परफेक्ट, और देखो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, जैसे इसका पीछे ऐसा लगता है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ये नहीं करना कि आपको थोड़ी जान लगानी है वगैरह, बिल्कुल नहीं, अगर स्मूथली अगर बिल्कुल परफेक्ट होंगे गियर बहुत ही स्मूथली लगेंगे, देखो बिल्कुल मैं हल्के से उस पर लगा रहा हूँ, परफेक्टली लग रहे हैं सारे, ये रहा इसका वो, ये भी चेक करना है क्योंकि देखो सामने आपके ना इसमें मोड्स आते हैं, तो सारे चल रहे हैं, चल रहे परफेक्टली चल रहे हैं, मेरे को साफ दिख रहा है उस पर, ठीक है। तो इंटीरियर से तो हम संतुष्ट हैं,
तो इंटीरियर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप चलते हैं इसके डिक्की में। तो गाइस करते हैं आप इसकी डिक्की चेक। डिक्की में देखो बेसिकली क्या होता है, आपको ये चीज़ चेक करनी है। देखो काफ़ी गाड़ियों में, ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे कुछ भाई की गाड़ी में साथ भी हुआ था, तो जो आपकी डिक्की बंद होने का होता है ना, देखो इतने में ही हो जानी चाहिए। देखो बहुत ईजिली हो गई, ठीक है, लेकिन डिक्की इसमें आराम से बंद हो रही है। हमने एक और गाड़ी की पीडीआई की थी, सेम इसी कलर सेम मॉडल की, उसमें डिक्की बंद नहीं हो रही थी, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ चेक करना है यहाँ पे कोई डेंट वगैरह ना हो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ी देखो दो तरीके से ही ढुकती है, आगे से, साइड से और पीछे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने सारा चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आपको स्पेयर टायर। देखो जो कंपनी क्लेम करती है आपको ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह में मिल जाएगा, वही सेम स्पेयर टायर आपको यहाँ मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पे भी देखो ये, अब देखो ये से ये अलग सा आ रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये देखो ये कंपनी से ही पेस्टिंग होके आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि हमने इससे पहले एक गाड़ी देखी थी, मैं साइड में एक फोटो डाल दूंगा, उसमें देखो यहाँ पे गैप था, तो हमने वो गाड़ी मना कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सब चीज़ सही लग रही है। अब करते हैं थोड़ा सा गाड़ी को आगे, थोड़ा सा गाड़ी को पीछे, चेक करते हैं कि इसका परफेक्टली क्लच वगैरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक बार हैंड ब्रेक को चेक करेंगे एंड ऑल। आओ हमने आगे पीछे करके देख लिया, परफेक्टली हो रही है, क्लच इतना स्मूथ है इस गाड़ी का, क्योंकि नई गाड़ी है, नई गाड़ी में बात ही कुछ और होती है। हमने ये चीज़ चेक कर ली है, परफेक्टली वर्क कर रही है, इसके बिना जल्दी आगे नहीं बढ़ रही है, तो हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। सो गाइस हमने कर ली है पूरी गाड़ी चेक, पीडीआई बेसिकली इसकी पूरी हो गई है, हमें सिर्फ छोटा सा डेंट वगैरह मिला, वो पांच गलतियाँ हमने पांचों नोट कर ली हैं अच्छे से, और हमने जो हमारे सेल्समैन है उन्हें बता भी दिए, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, रबिंग पर सही हो जाएगी, और जिस दिन आप डिलीवरी लेने आएंगे तो आपको दिखेंगी नहीं, और यही हम चाहते हैं। और देखो अब गाड़ी का इंजन परफेक्ट था, एसी परफेक्ट चल रहा है, सारी लाइट्स बढ़िया चल रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो हमारी तरफ से, इसे बिल्कुल परफेक्टली कंडीशन में गाड़ी, और हमने यही वाली गाड़ी अपने दोस्त के नाम पर रजिस्टर करा दी। सो आ जाते हैं मेरा फ्रेंड जिसके लिए हम गाड़ी ले गए हैं। भाई तुमने सारी गाड़ी देख ली, कुछ दिक्कत लगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो जो दिक्कत लगी वो हमने देख ही ली वैसे। हाँ थैंक यू आने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं खुद भी नहीं देख पा रहा था, जो इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है देखने में, क्योंकि एक्सपीरियंसली, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम गाड़ी है नहीं, और इसने मेरी, इसके पास भी नेक्सॉन है, तो इसने मेरी बहुत मदद की है इस चीज़ के लिए, और इसके लिए मैं बहुत ही वो क्या बोलते हैं खुश नसीब, थैंक यू कहना चाहता हूं, बेसिकली थैंक यू कहना चाहता हूं, पर वो शब्द ही नहीं है टू मी। और सुनो जो मेनली क्या था, सबसे मेन क्या था, हम पे दो गाड़ियां थी चेक करने के लिए, एक गाड़ी पीछे खड़ी थी वो बारी, उसमें दिक्कत क्या थी, सबसे पहले डिक्की में ही दिक्कत थी, आगे इतना बड़ा हम वहां पे वो था, इस गाड़ी में चलो ये वाली दिक्कत तो नहीं, उसमें फिटमेंट का इशू था, और जो मैं आपको गैप का वो बता रहा हूं, गैप का हमने उसी में तो देखा था, उसकी फोटो मैं साइड में डाल दूंगा फिर से, वो गैप इतना बड़ा था, तो हमें लगा कि वही गाड़ी टूटी तो नहीं है, दो गाड़ियों में चेक करना पड़ा कि ये सही है या नहीं, और लास्ट में इसको हम नंबर दे रहे हैं, और इसका मैंने अंदर चेसिस नंबर वगैरह की फोटो खींच ली है, तो यही आएगी, बैटरी की भी मैंने फोटो खींची है, क्या पता बैटरी चेंज कर देंगे, इंटेंशन नहीं है किसी बात की। तो गाइस चलो मिलते हैं अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अब भाई की सीधा डिलीवरी दिखाएंगे, आने वाली है बस एक हफ्ते में, ठीक है, और उसके बाद ख्याल से तो मॉडिफिकेशन वगैरह भी कराएगा। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तो ठीक है यार, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, हैव अ नाइस डे। Yeah.